एफआईआर हुआ है बेउर थाना में, केस नंबर 486/22 है। दोस्त वगैरह से पूछते हैं भी कि बाबू हम तो नहीं माँ हैं तो जान सकते, तुम लोग जानोगे? तो दोस्त वगैरह कि नहीं चाची, इतना उस सीधा बच्चा आंटी था, कोई लड़की के तरफ तो वहाँ उठा कर भी देखता नहीं था। एसीपी डीएसपी सगड़ों घूम गए हैं गांधी मैदान, कोई नहीं कुछ करते हैं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप न्यूज बिहार लाइव देख रहे हैं। इस समय हम आरजेडी कार्यालय के सामने हैं। अक्सर यहाँ पर नेता मंत्रियों का आगमन होता रहता है, लेकिन हमारे साथ जो शख्स हैं, जो महिला है, वो 6 महीने से दर दर अपने बच्चे को लिए भटक रही हैं। और 6 महीने पहले इन्होंने FIR किया था। इनका बच्चा 23 सितंबर को बाईपास कोचिंग से गायब हो गया था। FIR हुआ है? हाँ, FIR हुआ है बेउर थाना में, केस नंबर 486/22 है। वहाँ के थाना पुलिस कुछ नहीं कर रही है। थाना में आप गई थी? हाँ, बहुत 6 महीने से दौड़ रहे हैं थाना में। किसी से संबंध था बच्चे का, लड़की से? या अब तो हमको पता नहीं है बाबू। कभी मारपीट में उसका नाम आया? नहीं, कभी नहीं। मेरा बच्चा तो इतना सीधा था कि दोस्त वगैरह से पूछते हैं भी कि बाबू हम तो नहीं माँ हैं तो जान सकते, तुम लोग जानोगे? तो दोस्त वगैरह कि नहीं चाची, इतना उस सीधा बच्चा आंटी था कि कोई लड़की के तरफ तो वहाँ उठा कर भी देखता नहीं था। पढ़ने में इतना तेज था कि हम लोग उससे पूछने जाते थे कि प्रिंस हमें बता दो, मगर क्या हुआ प्रिंस के साथ ये तो हम लोग कभी समझ में नहीं आ रहा है चाची। अगर लड़की भी रहता बाबू तो कहीं तो लड़की का भी थाना पता लगता ना कि लड़की के है फलना जमा का लड़की भागल है, लड़का भागल है, तब ना हम जानते कि मेरा बच्चा लड़का लड़की लेकर भागे। इसको बहुत आस लगा के पढ़ा लिखा रहे थे बाबू कि नौकरी चौकरी लग जाएगा तो मेरा बच्चा का जीवन बन जाएगा। अभी तक एग्जाम दिया था कंपटीशन का? हाँ, बहुत बार दिया है, कभी बनारस, कभी भागलपुर, कभी कहाँ कहाँ, 3-4 बार एग्जाम दिया आया है, मगर वहाँ से तो चल आता था, कहीं कुछ नहीं होता था। नहीं, ऐसी पारे से मेरा बच्चा गायब हो गया। थाने में आप कई बार गई? थाने तो 6 महीने से दौड़ रहे हैं बाबू। थाना 6 महीने से दौड़ रहे हैं थाना। आप यहाँ पर आई हैं आरजेडी कार्यालय, किसी नेता से मिली हैं? सरकार है? हाँ, यहाँ से रजत जी से मिले हैं। क्या बोले? बोले कि थाना में फ़ोन करते हैं। थाना में फ़ोन करते हैं? हाँ, अभी तक वो थाना में फ़ोन ही कर रहे हैं। कब बोले हैं? वो 2 महीना हो गया। 2 महीना पहले आप आ चुकी? आ चुके, एप्लीकेशन दे चुके हैं। हाँ। बोले कि जाइए आप, हम बात कर लेंगे। यहाँ तो हर मंगलवार को सुनवाई होती है? हाँ, तो हर मंगलवार को सुनवाई आई थी। मंगलवार? मंगलवार को आए थे। हाँ, 2 महीना हो गया? हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। एसीपी डीएसपी सगड़ों घूम गए हैं गांधी मैदान, कोई नहीं कुछ करते हैं। कोई नहीं कर रहा? नहीं, सिटी एसपी भी गए हैं, बहुत उन बैग है उसके पैर में। आप देख सकते हैं कि ये प्रिंस कुमार की तस्वीर है, प्रिंस राज की तस्वीर है। ये 23 सितंबर को ही कोचिंग गए थे और कोचिंग से ही, इनकी माताजी का कहना है, कोचिंग से ही गायब हो गए। मेरा बेटा कैसा हूँ, खाली को चला है बाबू, चला है। हाँ, वो लड़की लेके आए चाहे वो जो करके आए, खाली ना आए तो फोन भी कर दे। इनका साफ साफ कहना है कि 50,000 इनाम भी देंगे। हाँ। नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर बता दीजिए ना। है एक तरीके से, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके इनको सूचित कर सकते हैं कि प्रिंस राज के परिवार वालों को प्रिंस राज सुरक्षित मिल जाए। और आपको भी पता होगा कि घर का बड़ा बेटा ही मुखिया होता है, घर का बड़ा बेटा सबको उम्मीद होती है, तो आप लोग भी कहीं अगर प्रिंस राज का पता चले तो आप लोग भी इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।